यहाँ से तोड़नी है पालक, मेथी, धनिया और क्या बनाना है? कड़ी चावल। तो आज के मेन्यू में है कड़ी चावल। यहाँ मैं आपको बटरफ्लाई दिखाऊं, ये देखें, देखिए कितनी प्यारी है, उड़ी जा रही है। ये सफेद है, सफेद पौधों पे बैठी है ना, फूलों पे। थोड़ी सी धनिया तोड़ लेते हैं पहले, और ये बड़ी बड़ी हो गई हैं अब तो काफ़ी। आप लोग अगर धनिया को सेव करके फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो आपने इसे ना धो के खुश्क कर लेना है, इसके अंदर पानी ना हो, फिर उसके बाद आप इसको डिब्बे में डाल के रख दें तो ये ना काफ़ी अच्छा चल जाती है। और ना यहाँ पे लगी भी बहुत सारी हुई हैं धनिया, हमारे घर भी तो थी, वो छोटी हैं मैंने तोड़ ली हैं। और ये मेथी है, ये धनिया है, अभी इसके ऊपर बीज बन जाएंगे ये। हाँ। जब बड़ी होंगी। ये बीज किस चीज का होता है? ये धनिया का ही होता है ना। अच्छा, अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। धनिया तोड़ ली है, अब थोड़ी सी मेथी तोड़ लेते हैं। फूलों समेत तोड़ ली? नहीं, बस पत्ते पत्ते। ये तभी मैं पालक तोड़ रहा हूँ, यहाँ से तोड़ते हैं शुरू से, किधर से तोड़, जगह ही नहीं मिल रही काफी इस तरह। मम्मा हाँ, इतना तो होनी चाहिए। ये पता ना, अंदर से आप जैसे बंदर छोटा होगा ना तब कितना डर लगता है, जैसे लगता है पूरा जंगल होगा छोटा बंदर का। हाँ हाँ, अंदर से दिखाया आप लोगों को कैसा लगा देखना। सब्जी मैं ले आई हूँ, ये देखें, इसमें ये पालक है, यहाँ पे मेथी है और ये धनिया है। तो अब इसको कटिंग करनी है, पहले वॉश कर लेते हैं फिर उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। ये प्याज काटे हैं, इसके अंदर ये मैंने धनिया और मेथी काटी है, ये डाल देते हैं। एक प्याज लिया है, तो ये है कड़ी बनाने के लिए चीज़ें, तो ये डालते हैं। धनिया और मेथी डालने के बाद इसके अंदर पालक डालेंगे, ये इस तरह कटी हुई है, तो अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। ये बेसन डालेंगे, साथ में ये मसाले हैं जिसमें हल्दी है, सुर्ख मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया है, कुछ कुटा हुआ है और कुछ साबित है, तो ये टेस्ट बहुत अच्छा देता है, तो ये डाल देंगे। ये देखें, और अब इसे हम बग़ैर पानी के भी ऐसे मिक्स करेंगे हाथ के साथ। जुरेज इधर आना। अब मैं लाऊं 5 रुपए के लॉटरी टिकट और देखता हूँ अंदर क्या। ऐसे करके पकड़ के खड़ा, ये इसकी जी लॉटरी टिकट है और ये अभी इसको ओपन करने लगा है। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया, अब यहाँ से करते हैं क्या निकलता है, देखते हैं किस्मत। लकी हो के अनलकी। निकलता तो मुझे बड़ा छोटा लग रहा है, और इसमें से जिन निकल रहा था डब्बी में से, इस्त्री निकली है, कपड़े ऐसे ऐसे हाँ, इस्त्री निकली। उन्होंने कहा ये लड़का काम नहीं करता, इसको इस्त्री दो, है ना। अच्छा जी, इसके अंदर ही कुछ ना, अब इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। अब इसके अंदर सब्ज मिर्च डालेंगे और पानी मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल पकौड़ों का मसाला बना लेंगे जी। तो अब कढ़ी तैयार करनी है, कढ़ी के लिए ये मैंने दही ली है, इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे, और साथ में ये बेसन है, नमक है और हल्दी है, ये तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। अभी और भी पानी शामिल करेंगे, लेकिन अभी इसको मिक्स कर लें फिर उसके बाद। अभी सुर्ख मिर्च यहाँ पे आपने ऐड नहीं करनी। इधर कड़ी के लिए घी गर्म हो रहा है और इधर पकौड़ों के लिए ऑयल गर्म हो रहा है, लेकिन ऑयल में सबसे पहले हम शहरी के लिए चिप्स बनाएंगे, शहरी और सुरेश के लिए, तो वो बना लेते हैं, तब तक हमारा घी गर्म हो जाता है। ये हमारी चिप्स है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर डालते हैं 30 मिनट। ये देखें, ये चिप्स हम डालने लगे हैं,
इधर हम डालते हैं प्याज, आधा कटा हुआ प्याज है। प्याज ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर अदरक लहसुन डालते हैं। थोड़ा सा डालना है आपने कि भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। ये साथ में मेरे पास आधा कटा हुआ टमाटर है। इसका मसाला रेडी कर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ मिर्च भी ऐड करनी है आपने और नमक भी ऐड करना है। अच्छा जी, तो ये पालक है, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा इसका ना टेक्सचर आता है। इधर चिप्स रेडी हो रही है, कुछ ये रेडी होनी पड़ी है जी। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ये कड़ी का मिक्सचर डाल देंगे। ऐसे करके और एक गिलास और पानी डाल देंगे। ये पकौड़ों का मसाला रेडी हो चुका है और अब पकौड़े बनाने की बारी है। चिप्स हमने बना लिए हैं तो एक एक करके इसमें डालते हैं। देखिए पकौड़े इसी तरह डालेंगे हम। अभी यहाँ पकौड़े रेडी हो रहे हैं और ये कुछ रेडी हो गए हैं और यहाँ कड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखने कितनी सी रह गई है और इसके ऊपर से झाग भी ख़त्म हो गई है। तो ये डाल देते हैं इसके अंदर और मेरे डालने से पहले ही वो सारे खुद ही चले गए हैं। और इनको इसके अंदर डिप कर देते हैं ताकि ये ना इसको इसके अंदर डिप कर देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अभी जो बन जाएंगे वो भी डालेंगे ऊपर। ये अभी ये देखेंगे इस तरह है, अभी गाढ़ी हो जाएगी ये खुद ही। जब ये अब्जॉर्व कर लेंगे ना पकौड़े तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। कड़ी रेडी हो चुकी है, अब तड़का लगाने की बारी है। तो उसी ऑयल में जिसमें पकौड़े बनाए थे प्याज डाल देंगे। तो ऑयल ज़्यादा है आपका तो उसको आप कम कर लें। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर जीरा डालेंगे और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट है जो बच गया था हम इसके अंदर डाल देंगे। ये कड़ी है, ये देखिए जी, तो इसको हम तड़का लगा देंगे। ये देखिए मज़ेदार सा तड़का लगाइए और इसको ढक देंगे। अब बारी है चावल बनाने की, वो बना लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे। अच्छा जी, खाना रेडी भी हो चुका है और आधा खाया भी जा चुका है और अब तस्वर फारिग हुए हैं फार्मूले याद कर करके हैं। हालत देखें इनकी क्या हुई बैठी है। बड़े पुट्ठा काम है यार ये ना। मैंने कहा जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, चलो ये काम छोटा सा सीख लें, तो मैंने सीख लिया। यही रह गया था, मजबूरी है, मजबूरी में बंदे को क्या क्या नहीं करना पड़ता ना। मैंने कहा तन्हाई में आप कितने बजे सुबह बैठे, 11 बजे, और अब कितने बजे होंगे, 6:30 बज गए, 6:30 बजे ये उठ के आए। अभी भी रहता है, अभी एक इनका रहता है फार्मूला सीखना। आर यू आर प्राइम, आर यू आर यू आर प्राइम, यू टू यू आर, शेरी की तरह रट्टा मार लिया, फरू रफ, ये फार्मूले है क्यूब सॉल्व करने के। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी मजे की लग रही है चीज तो। चलो खा के देखोगे तो बताओगे। मैंने तो खाई है, मुझे भी सही लगी है। जुरेज भी खा रहा है। अच्छा, वो डालो, कड़ी डालो ज्यादा सारी। ये देखिए, अच्छा किया आपने ना। चलो कुछ ना कुछ, सब्जियां खत्म हो रही थी, मैंने कहा जाते जाते इसको काट डालो। ये खीरा नहीं खाते, इनको खीरे से ऐसे होता है जैसे अच्छी बनी है। सुरेश से तो मैंने पूछा ही नहीं, अच्छी बनी है, इसने खा ली है।